हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज चैप्टर वन फ्रॉम क्लास 8th सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। क्वेश्चन नंबर वन, इन पॉलिटिक्स व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है पॉलिटिक्स में। इन पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ डॉक्यूमेंट outlining the basic laws or principles by which a country is to be governed। Constitution है एक ऐसा document जिसमें कि सभी basic laws, principle यानी कि सिद्धांत लिखे हुए हों जिनके द्वारा कोई भी country govern होता है, यानी कि उसके ऊपर शासन चलता है। Write a brief note on the making of the Indian Constitution। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ उसके ऊपर एक ब्रीफ नोट लिखिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वॉज कन्वीन्ड इन दिसंबर 1946। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली जो असेंबली थी उसको बुलाया गया था कब, दिसंबर 1946 में। द मेंबर्स ऑफ दिस असेंबली वर ओनली इंडियंस। इसके मेंबर्स केवल इंडियंस ही थे। This assembly started drafting the constitution for independent India। और इस assembly ने ही independent India के लिए constitution बनाने की शुरुआत करी। Dr. Ambedkar was the chairman of the constitution drafting committee। जो constitution drafting committee थी उसके chairman थे Dr. Ambedkar। The constitution declares India टू बी सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को एक सॉवरेन यानी कि उसकी पूरी अपनी पावर है, संप्रभुता है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है यानी कि वहाँ डेमोक्रेसी है, इस रूप में डिक्लेयर करता है। एंड एस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर प्रोसीजर्स। और क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या प्रोसीजर होगा, क्या पावर्स होंगी, क्या ड्यूटीज़ होंगी गवर्नमेंट की, एंड द ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स, और सिटीजन्स की क्या ड्यूटीज़ होंगी, इन सब को बनाता है। अराउंड 300 मेंबर्स ऑफ द असेंबली साइन 200 कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट। असेंबली में 308 मेंबर्स थे। इन्होंने दो हाथ से लिखे हुए डॉक्यूमेंट पे साइन किए, वन ईच इन हिंदी, एक हिंदी में था और एक इंग्लिश में। ऑन द जनवरी 24 1950 में, टू डेज लेटर, दो दिन के बाद, ऑन जनवरी 26 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकेम द लॉ ऑफ ऑल द इंडियन लैंड्स। और पूरी इंडिया का ये लॉ बन गया, क्या, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नेपाल व्हेन डिड द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन कम इन टू इफेक्ट। नेपाल में इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन कब प्रभावी हुआ। इन नेपाल द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 15, 2007। जनवरी 2007 से जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रभावी हुआ यानी कि वो लागू हुआ। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन नेपाल। नेपाल में फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल हुआ, जो संघर्ष हुआ, उसके बारे में एक नोट लिखिए। इन नेपाल देयर वॉज ए पीपल्स स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन 1990 में संघर्ष शुरू हुआ आज़ादी के लिए। डेमोक्रेसी वॉज एस्टेब्लिश्ड। डेमोक्रेसी को वहाँ पर लाया गया, स्थापित किया गया। एंड इट लास्टेड फॉर 12 ईयर्स। वो 12 साल तक चली, अनटिल 2002। इन अक्टूबर 2002 किंग ज्ञानेंद्र बिगैन टेकिंग ओवर द गवर्नमेंट। किंग ज्ञानेंद्र ने गवर्नमेंट को की पावर को लेना शुरू किया विद द असिस्टेंस, असिस्टेंस होता हेल्प ऑफ द आर्मी, आर्मी की हेल्प से। इन 2005 किंग ज्ञानेंद्र टुक ओवर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो किंग ज्ञानेंद्र थे वो वहाँ के
हेड बन गए गवर्नमेंट के। इन 2006 पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी बिगैन। 2006 में लोगों का आंदोलन शुरू हुआ वहाँ पर डेमोक्रेसी लाने के लिए, गेनिंग इमेंस फोर्स, और इस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा मतलब पावर आने लगी। इन अप्रैल 2006 द किंग रिस्टोर्ड द थर्ड पार्लियामेंट। 2006 में किंग ने दोबारा से थर्ड पार्लियामेंट को स्थापित कर दिया, वापस लाए उसे। एंड आज द पॉलिटिकल पार्टीज टू फॉर्म ए गवर्नमेंट, और पॉलिटिकल पार्टी से कहा कि वो सरकार बनाए। इन 2007 नेपाल एडॉप्टेड एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन। नेपाल ने एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लागू किया एंड नेपाल गेंड पॉलिटिकल फ्रीडम, और नेपाल को पॉलिटिकल फ्रीडम प्राप्त हो गई। वॉट आर द निगेटिव पॉइंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। डेमोक्रेटिक सोसाइटी के निगेटिव पॉइंट्स क्या हैं? इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी पावर कैन बी मिसयूज्ड। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में पावर मिसयूज हो सकती है। समटाइम द मेजोरिटी कैन अंडरमाइन माइनॉरिटी। कभी कभी जो मेजोरिटी होती है वो माइनॉरिटी की इंपॉर्टेंस को कम कर देती है। द सिटीजन्स नीड सर्टेन रूल्स टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम फॉली, और सिटीजन्स को कुछ रूल्स चाहिए ताकि वो बेवकूफ़ बनने से अपने आप को बचा सकें। हाउ कैन ए लीडर मिसयूज पावर इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी लीडर पावर का मिसयूज कैसे कर सकता है? ए लीडर मिसयूजिंग हिज पावर मे सेंड हिज सिक्योरिटी गार्ड टू बीट अप हिज नेबर्स फॉर ए पर्सनल रीजन। कोई भी लीडर अपनी पावर का मिसयूज करते हुए अपने सिक्योरिटी गार्ड को भेज सकता है कि वो किसी निजी कारण के कारण पड़ोसी के पीट किया जाए, जिनसे जिनको पसंद नहीं करते या जिनसे कुछ झगड़ा हो गया है। और आज द पुलिस नॉट टू टेक एक्शन अगेंस्ट अ रिलेटिव, ये भी कह सकता है कि वो उसके जो कोई रिश्तेदार है तो उनके विरुद्ध पुलिस कोई एक्शन ना ले, चाहे उन्होंने कुछ गलत काम भी किया हो। हु हैज़ कमिटेड ए क्राइम, जिस रिश्तेदार ने कोई क्राइम किया है। हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड द माइनॉरिटीज ऑफ द कंट्री। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज यानी कि वो लोग जिनकी संख्या कम है उनकी सुरक्षा कैसे करता है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनश्योर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये सुनिश्चित करता है दैट डोमिनेंट ग्रुप की, जो डोमिनेंट ग्रुप है जिसके मेंबर ज़्यादा है, जिसके लोग ज़्यादा हैं, डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर्स, वो अपनी पावर का दूसरों के विरुद्ध यूज़ ना करें जो कि कम पावरफुल हैं या कम पावरफुल ग्रुप्स हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे रूल्स हैं दैट एनश्योर दैट माइनॉरिटीज आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि माइनॉरिटी यानी कि वो लोग जिनकी संख्या कम है वो किसी भी चीज़ से बाहर ना हों। दैट इज़ रूटीनली अवेलेबल टू द मेजोरिटी, वो सारी चीज़ें जो कि मेजोरिटी के लिए अवेलेबल हैं। इट ऑल्सो प्रिवेंट द डोमिनेशन ऑफ द मेजोरिटी ओवर द माइनॉरिटी। ये मेजोरिटी की माइनॉरिटी के ऊपर अधिकार को भी रोकता है कि वो उनके ऊपर अपना आधिपत्य ना जमा पाए, डोमिनेट ना कर पाए उन्हें। मेंशन द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स बताइए। द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब है कई लेवल की गवर्नमेंट, जैसे लोकल लेवल, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है इंडिया में तो फेडरलिज्म है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया में पार्लियामेंट है जिसके दो हाउस हैं, लोकसभा राज्यसभा। सेपरेशन ऑफ पावर्स, अलग अलग तरह की पावर्स हैं। और फिर है फंडामेंटल राइट्स, कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं सभी नागरिकों को। और उसके बाद है सेक्युलरिज्म, यानी कि कोई भी स्टेट रिलीजन ना होना, कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन अपना सकता। वॉट आर द फैक्टर्स द ड्राफ्टिंग कमेटी हैड टू टेक इन टू कंसिडरेशन वाइल ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते समय ड्राफ्टिंग कमेटी को कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ा? द कमेटी हैड टू कीप इन माइंड दैट इंडिया वॉज ए लैंड ऑफ मैनी कम्युनिटीज। पहली बात तो ये थी, कमेटी को ध्यान में रखना पड़ा कि इंडिया में बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, मैनी रिलीजन, बहुत सारे धर्म हैं। इंडिया वॉज ए लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर्स, इंडिया में विभिन्न प्रकार की कल्चर्स हैं। एंड द प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया हैड टू बी कंसिडर्ड,
और उस समय तो प्रिंसली स्टेट भी था, यानी कि जहाँ पर राजाओं का राज्य था, उनको भी ध्यान में रखना था। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज अबाउट टू हैपन, और इंडिया का कंट्री का पार्टीशन होना था इंडिया और पाकिस्तान के रूप में। द ड्राफ्टिंग कमेटी हैड टू बियर दिस इन माइंड, ड्राफ्टिंग कमेटी को ये भी ध्यान में रखना था। फाइनली द बिगेस्ट कंसिडरेशन वॉज, सबसे बड़ा विचार था सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ इंडियंस, के जो बहुत सारे इंडियंस हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक कंडीशन को ध्यान में रखना, विच वॉज इन ए बैड स्टेट, जिनकी हालत ज़्यादा ही खराब थी। वॉट वर द हाईलाइट्स ऑफ द टेक्स्ट प्रिपेयर्ड बाय डॉक्टर अम्बेडकर हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे, उसके टेक्स्ट के मेन हाईलाइट क्या थे? द हाईलाइट्स ऑफ द टेक्स्ट प्रिपेयर्ड बाय डॉक्टर अम्बेडकर आर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज एंड प्रोटेक्शन फॉर इंडिविजुअल सिटीजन्स। एक तो ये संविधान में दी गई गारंटी, और दूसरे हर नागरिक की सुरक्षा। सेकंड है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी धर्म आप अपना सकते हैं, उसको अपनाने की आज़ादी। एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को समाप्त करना। आउटलाइंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन होता पक्षपात, सभी प्रकार के पक्षपात को खत्म करना। इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स फॉर वीमेन, वीमेन के लिए आर्थिक और सामाजिक अधिकार होना। रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स इन द सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जॉब का रिजर्वेशन होना। फॉर मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जो भी शेड्यूल कास्ट के यानी कि SC के लोग हैं, ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनके लिए रिजर्वेशन। व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज एवरी एडल्ट सिटीजन। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है कि हर एडल्ट सिटीजन, एडल्ट यानी कि 18 या 18 से अबव की एज का व्यक्ति, हैविंग ए राइट टू वोट, उसे वोट डालने का अधिकार है, इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, वो किसी भी सेक्स यानी कि मेल हो फीमेल हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, कोई भी उसकी एजुकेशन हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, या उसका फाइनेंशियल स्टेटस कोई भी हो, यानी कि अमीर हो या गरीब हो। What do you mean by the legislature, the executive and the judiciary? इन तीनों से आपका क्या मतलब है? Legislature refers to our elected representative, जो चुने हुए नेता होते हैं वो legislature कहलाते हैं। The executive is a smaller group of people. Executive उन लोगों का छोटा सा ग्रुप है who are responsible for implementing laws, जो कि नियमों को लागू करते हैं, run the government और government को चलाते हैं। जुडिशरी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन दिस कंट्री, कंट्री में जो कोर्ट का सिस्टम है। व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के मेन पॉइंट्स क्या हैं? द की कंपोनेंट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, या राइट का मतलब है अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण ना हो इस चीज़ का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी रिलीजन आप अपना सकें इसका अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो रेमेडी है उसको ठीक किया जा सके उसका अधिकार। व्हाट इज सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म क्या है? सेक्युलरिज्म हिंदी में कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, यानी कि कोई भी धर्म अपना सकते हैं बिना किसी पक्षपात के, सब बराबर हैं। सेक्युलरिज्म इज द राइट ऑफ द सिटीजन, सेक्युलरिज्म लोगों का अधिकार है टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, कि वो किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं। ए सेक्युलर स्टेट इज वन, सेक्युलर स्टेट वो होता है इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन, जिसमें कि कंट्री कोई भी रिलीजन को आगे बढ़ावा नहीं देता कि ये उनके स्टेट रिलीजन है, उनका देश का रिलीजन है, उनके लिए सब बराबर है। आई होप कि ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिए, और
एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट लिखना भी मत भूलिए। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।